हेलो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे आप अगर सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल करना है जा रहे हैं तभी आपको विंडोज पार्टीशन क्रिएट करने के बाद भी आप उसमें विंडोज इंस्टॉल कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपका विंडोज सेटअप वॉज अनेबल का क्रिएट पर न्यू पार्टीशन कमांड एरर आता है। आज उसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है आपको कीपैड पे शिफ्ट प्लस विंडोज F10 प्रेस करना है। उसके बाद कमांड बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आपको टाइप करना है dxpart यहाँ पे डिक्स पार्ट लिखने के बाद इंटर करना है। तो उसके बाद यहाँ पे लिस्ट डिक्स, देखिए यहाँ पे मेरा दो ड्राइव शो कर रहा है, एक क्योंकि मेरा पेन ड्राइव है जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने विंडोज इंस्टॉल है, दूसरा है जो डिक्स वन है वो मेरा हार्ड ड्राइव है। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट डिक्स वन करते हैं क्योंकि हमारा जो हार्ड ड्राइव का प्रॉब्लम हो रहा है पार्टीशन के लिए, इसलिए उस डिक्स वन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यूज करें यहाँ पे डिक्स वन नाउ सिलेक्टेड डिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लें क्लीन clean क्लीन लिख लें, लेकिन डिक्स पार्ट सक्सेस इन क्लीन द डिक्स, ठीक है। एवं मैं जो डिक्स वो पूरा पूरी क्लीन हो चुका है। उसके बाद आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी यहाँ पे आपको साइज जो आपका जो एक पार्टीशन करना चाह रहे हैं उसका जो कितना जीबी का होगा उसको पहले साइज सिलेक्ट करना है। जितना जीबी होगा 50 जीबी होगा 50 जीबी का कीजिएगा, 60 जीबी होगा 60 जीबी। फिलहाल मैंने 100 जीबी किया इसलिए इसको 1 लाख KB डाल दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्क पर सक्सेस इन क्रिएटिंग द स्पेसिफिकेशन पार्टीशन, ठीक है। देखिए जो मेरा पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको टाइप करना है फॉर्मेट fs। देखिए जैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं जो कमांड टाइप के, आप भी अपने सिस्टम में से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। दोस्तों अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। देखिए मेरा जो सक्सेस भी हो चुका है असाइनमेंट। यहाँ पे एक्टिव वॉल्यूम जो पार्टीशन है मेरा वो एक्टिव हो चुका है। लिस्ट वॉल्यूम देखिए यहाँ पे जो मैंने एक लाख KB एक ड्राइव बनाया था जो लगभग 97 GB के बराबर है। देखिए यहाँ पे मेरा एक नीचे वाला जो है वॉल्यूम टू जो इस एनएटी जो मेरा 97 GB का, ये मेरा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। देखिए जो सेटअप एरर है वो नीचे शो कर रहा है, सेटअप वॉज अनेबल यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसके लिए आपको मैसिंग एक बार रिस्टार्ट करके इसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला है वॉल्यूम हो चुका है, एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद तो वो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए ट्राई करना है। चलिए अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैंने अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया, फिर से पेन ड्राइव इंस्ट बूटिंग पेन ड्राइव का पूरा बूट किए, विंडोज लोडिंग फाइल दिखा रहा है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए सर आ गया लोग नेक्स्ट विंडोज एक्टिव सेटअप इज स्टार्टिंग।
अगर अब तक दोस्तों हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है हमको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अपना विंडोज प्रोफेशनल चूज किया। यहाँ पे देखिए मैं जो एक 97 GB का ड्राइव बनाया था वो ड्राइव भी क्रिएट हो गया। जो मेरा एरर आ रहा था वो भी जा चुका है। इसके बाद आप अपना असिस्ट वही हार्ड ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते। फिलहाल मैंने इसको ऑलरेडी से इसको फॉर्मेट किया हुआ था। एक ड्राइव भी आपको बनवा देते हैं 200 GB का जो एरर इससे पहले।